सॉन्ग कैसे हैं आप लोग? मैं ली और आप देख रहे हैं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाह, सीन तो वही दिखा रहे हैं यार, जो सारे गानों में दिखा रहे थे ना, सीन सारे वही हैं। ओके, पर मुंडन नहीं कहा लेकिन क्या देख रहे हैं। ओके, बचपन का जो सीन्स को दिखा रहे हैं, यानी जहाँ से बचपन बच्चे होते हैं ना, वहाँ से ये दिखा रहे हैं। ओ काफी ज्यादा खूबसूरत है। जहाँ भी जाए बस सनम, बस तू ही तू। भाई क्या मतलब वॉइस का ना, जो मतलब जो आवाज है और टोन ना, इतनी खूबसूरत है इसकी। लिरिक्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। जहाँ भी जाए बस दिखे बस तू ही तू, मतलब गजब के। तो कंगन दिखे हैं इसको। मेरे को यार इसके हेयर जो है ना, काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो कलर है उनको हेयर स्टाइल है ना, बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। हाँ, तो तू जो चमके पलकों में जैसे सितारा, क्या लिरिक्स है। सही है, वाह खूबसूरत सीन है। शायद सभी का लगे मुझे समंदर पानी। कोई हो मौसम
ये मूवी जैसे होने वाली मुझे नहीं पता, बट इसके जो गाने हैं ना यार दिल को छूने वाले हैं। सच में यार इतना ऑसम सॉन्ग था यार भाई, मतलब दिल को छू गया है। मतलब इसके जितने भी गाने ना वो इतनी खूबसूरती से गाए गए हैं, में जो है जो दिग्गज कलाकार हैं, जुबिन नौटियाल हो गए, अमित त्रिवारी हो गए, राहत फतेह अली खान साहब हो गए, तो इनकी जो आवाज है ना इंडिया के अंदर तो वैसे ही फेमस है ये। और नेपाली जो मूवी है TK3 है, इसका भी यही मोटिव है कि इंडिया के अंदर कैसे भी कुछ कलाकारों को लेके इंडिया के अंदर इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा पसंद करवाई जाए, तो इसके गानों के जरिए तो ये मूवी काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। हालांकि इसका ट्रेलर जो देखा था हमने काफी ज्यादा कूल था और काफी ज्यादा हद तक अच्छा था, और जो सीन्स थे बहुत ही अच्छे थे। हालांकि नेपाली मूवीज जो होती है इतनी बड़ी मूवीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी फिलहाल इस वक्त जो ये मूवी बनाई जा रही है तो काफी बड़ी मूवी होने वाली है। आई होप ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी चलेगी। गाना बहुत अच्छा है, इसके बोल काफी ज्यादा अच्छे हैं, जहां भी जाऊं आई सनम बस तू ही तू, मतलब बहुत ही अच्छा, ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा ये बोल है। और राहत फतेह अली खान साहब की जो ये वॉइस है बहुत ही अच्छी है। तो गाइस मुझे बहुत ही अच्छा ये गाना लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं तो आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय।